हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी, जिन बच्चों ने लिया है बीए सेकंड सेमेस्टर में तो उन सभी के लिए यूनिट थर्ड जो है इसको हम लोग करेंगे। पूरा का पूरा यूनिट थर्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो हाइपोथेसिस पे आधारित है, यानी हाइपोथेसिस आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है तो उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने देखा था यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों को कर लिए थे, यानी फिलोसफी अब आपके अंतिम कगार पे है। इस यूनिट को करने के बाद आपको एक यूनिट के बारे में और भी बताएंगे, जिसमें थोड़ी बहुत चीजें चर्चाओं पे होगी जो कि मेन मेन क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब के चीजों को शुरू करते हैं। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, परिकल्पना, परिकल्पना होता क्या है, यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक है। तो परिकल्पना का अर्थ होता है ना, मतलब जो वर्ड है परिकल्पना, इसको जब तोड़िएगा ना तो परी जोड़ कल्पना मिलकर बनता है परिकल्पना। तो इसका क्या होता है, परी का मतलब होता है चारों ओर, और कल्पना का अर्थ क्या होता है, चिंतन करना। जब हम लोग किसी भी विषय के चारों ओर का चिंतन, यानी कि एक ही विषय है मान लीजिए, उसके सभी एस्पेक्ट का चर्चा करते हैं या चिंतन करते हैं, उसी को परिकल्पना बोलते हैं। जैसे कि सीधा आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपके घर के सामने कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के पीछे के कारणों को जब आप खोजते हैं ना कि क्यों एक्सीडेंट हुआ होगा या क्या कारण रहा होगा। मान लीजिए आप ही एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाइएगा और कोई आपका दोस्त कम नंबर लाएगा, अच्छा नंबर नहीं लाएगा, ऐसा ना हो, लेकिन सोचने के लिए, समझने के लिए, खाली आप समझिए कि ऐसा अगर होता है तो आप इसके बारे में सोचिएगा कि आप क्यों नंबर इतना लाए और आपका दोस्त क्यों नहीं लाया। तो ऐसी जब सोच आपके अंदर होती है, या आप जब इस तरह के विषय पर सोचते हैं ना, इसी को परिकल्पना बोलते हैं, ठीक है। जब उसके चारों तरफ सोचते हैं, यानी कोई भी चीज के बारे में आप जब चारों तरफ उसके, मतलब हर एक एस्पेक्ट के बारे में जब सोचते हैं, तो उसी को परिकल्पना बोला जाता है, ठीक है। सीधा मतलब यही था। अब आ जाइए मेन चीज। तो देखिए, इसको आप लिखिएगा कैसे, यानी परिकल्पना कहते किसको है, एक शब्द में बताइए या एक लाइन में बताइए, तो कैसे बोलिएगा। जब हम किसी घटना या समस्या, ठीक है, के चारों ओर चिंतन करते हैं ना, तब उसे परिकल्पना कहते हैं। यानी कि देखिए, जब कोई भी समस्या या किसी भी घटना के बारे में हम लोग उसके चारों तरफ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसी को परिकल्पना कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक वस्तु है, चारों तरफ से है, दिख रहा होगा आपको। ये जो चारों ओर, अगर मान लीजिए इसके चारों तरफ का आप जब भी चिंतन करिएगा, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी और इधर का भी, तो इसी को परिकल्पना बोलते हैं। यानी कि चारों तरफ, यानी कि उसके ओवरऑल हर एक चीज का जब आप कल्पना करते हैं या सोचते हैं ना जिसके बारे में, तो उसी को परिकल्पना। कल्पना का मतलब ही होता है चिंतन करना या सोचना, ठीक है। सीधा समझ जाइए आप। आगमनात्मक अनुमान के अंतर्गत किसी भी घटना या समस्या के घटित होने के कारणों का जब पता लगाना होता है, तो उसके पूर्व उसका कल्पना किया जाता है, समझे। यानी कि आप देखिए, यूनिट जो आपका थर्ड है, या फिर आप देखिए जो आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि थर्ड सेमेस्टर का, ये आगमनात्मक तर्क पे आधारित है। और पहला जो सिलेबस था यानी फर्स्ट सेमेस्टर का, वो निगमनात्मक तर्क पे आधारित था। तो आगमनात्मक तर्क में जब भी हम लोग कोई भी चीज के बारे में सोचते, समझते या जानने का प्रयास करते हैं, उसमें कल्पना किया जाता है, ठीक है। सीधा मतलब यही जानिए। और कल्पना का मतलब होता है चिंतन यानी सोचना, ठीक है, कि घटना का किन कारणों से कोई भी घटना घटित हुआ, इनके बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो यही कल्पना या परिकल्पना कहलाता है। उसके बाद उस घटना के बारे में परीक्षण किया जाता है, यानी मान लीजिए कोई घटना क्यों घटित हुआ इसके बारे में आप सोचे, उसके बाद उसके बारे में आप क्या कीजिएगा, तथ्य को इकट्ठा कीजिएगा, यानी परीक्षण कीजिएगा। उस यदि पूर्व में की गई कल्पना सही साबित हो गई, तब वह सामान्य नियम बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह परिकल्पना एक अंदाज होता है जो कि हमारे अनुसंधान को आगे बढ़ाने में तथा हमारे आगमनात्मक अनुमान के क्रम को विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। यानी कि आपको सीधा बताते हैं कि परिकल्पना जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है ना कि मान लीजिए आपने किसी भी चीज के ऊपर आपने मतलब चिंतन वगैरह किया, और चिंतन करने के बाद क्या होता है कि आपको उसके बारे में अब क्या है, आपको इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, ठीक है। जब आप उसके जानकारी को इकट्ठा कर लेंगे, तो जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के बाद क्या होता है कि आपको ये पता चलेगा ना कि ये घटना सही है या गलत है, इसको जब जान लेते हैं ना, तो यही होता है दौर, यानी कि यही होता है स्टेप परिकल्पना को प्रूव करने का, यानी प्रमाणित करने का, ठीक है। अब आ जाइए, परिकल्पना के तीन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी परिकल्पना है तो उसको तीन चरण से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन चरण है अब उसको देखिए। तो पहले देखिए, घटनाओं का निरीक्षण करना होता है, यानी सबसे पहले किसी भी घटना का निरीक्षण किया जाता है, जिसके बाद कुछ तथ्य मिलते हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर कल्पना या चिंतन किया जाता है। यानी सीधा बताते हैं, कोई भी घटना आपके घर के सामने घटित हुआ, अब उस घटना के घटित होने के पीछे बहुत कारण होगा, तो जब उसके बारे में आप चिंतन कीजिएगा यानी सोचिएगा, तो पहला तो आप कीजिएगा कि उसके बारे में सोचिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, उससे संबंधित जो भी है चीज, यानी कि उससे संबंधित जो भी तथ्य है उसको इकट्ठा कीजिएगा।
जब आप उस तथ्य को इकट्ठा कीजिएगा ना, उसी को बोलते हैं परीक्षण करना, ठीक है, परीक्षण या निरीक्षण करना, ठीक। उसके बाद क्या आता है, अंदाज या कल्पना करना, यानी कि जब आप देखिए, आप कोई भी घटना घटित हुआ उसके पीछे के कारणों के बारे में आपने चिंतन किया, चिंतन करने के बाद उससे संबंधित चीजों को, यानी कि जो भी उससे, अगर मान लीजिए कोई घटना घटित हुआ तो उसके पीछे जो जो कारण थे उसको आपने खोजा, और उसको जब इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अंदाज लगाइएगा कि भाई ये घटना क्यों हुआ था, इसके पीछे का रीजन अगर ये सब था तो और भी तो हो सकता है। तो ये जो अंदाज लगाइएगा, यही परिकल्पना का दूसरा, ये एक तरह से स्टेप होता है, ठीक है। स्टेप याद रखिएगा कि कोई भी परिकल्पना के गुजरने का स्टेप जो होता है तीन होता है। पहला क्या होता है, घटना का निरीक्षण, दूसरा अंदाज या कल्पना करना। तो उसमें क्या होता है, घटनाओं के निरीक्षण के बाद उस घटना के घटित होने के कारणों के बारे में हम लोग अंदाज लगाते हैं, ठीक है। तो इसी को परिकल्पना का दूसरा स्टेप कहा जाता है। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या होता है, अंदाज का परीक्षण, यानी कि आपने कोई अंदाज लगाया, अब उसका भी परीक्षण करना होगा। चूंकि देखिए आपका जरूरी नहीं है कि कोई भी अंदाज आप लगाए तो वो सही ही हो, वह गलत भी तो हो सकता है, तो उसका भी निरीक्षण या परीक्षण करना जरूरी होता है। यानी कि देखिए सीधा एक घटना घटित हुआ, उसका आपने परिकल्पना किया, चिंतन किया, चिंतन करने के बाद उसका परीक्षण किया, यानी कि उससे संबंधित जो डाटा था उसको कलेक्ट किया, उस कलेक्ट किए हुए डाटा का फिर क्या किया, उसके ऊपर आपने एक चिंतन या अंदाज लगाने का काम शुरू कर दिया। यही है परिकल्पना का तीनों आधार, यानी तीनों स्टेप, ठीक है। किसी घटना के बारे में अंदाज लगा लेने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण किए जाने के बाद अंदाज सही है या गलत है, अगर वह लगाया गया अंदाज सही हो जाता है तब वह नियम बन जाता है, अगर वो लगाया हुआ अंदाज गलत हो गया ना तो कल्पना फिर से करनी पड़ती है, यानी कि यह कल्पना का पुनः चक्रण शुरू हो जाता है, यानी ये कल्पना फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको नहीं समझोगे, हम जान रहे हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगा होगा, लेकिन अब आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए 2 जोड़ 3, ठीक है, इसका मान अगर जोड़िएगा इसको तो 5 होता है, हम तो इतना ही जानते हैं। अगर आप मैथ में बहुत कुछ जानते हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन हम तो सिंपली भाई देखिए सिंपल हम जानते हैं कि 2 को 3 में जोड़ दीजिए तो 5 होता है। एक बच्चा बता रहा था, हम बताते हैं आपको, 2 जोड़ 2 हम किए थे, एगो आपको इसी में यानी फिलोसफी का ही जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें, तो वो बोला ना कि सर 2 जोड़ 2 जो आप बताए हैं ना, 2 जोड़ 2 हम 4 बताए थे, तो वो बोला ये गलत है, 2 जोड़ 2 5 होता है, हम ये इसको प्रूव करते हैं। तो हम बोले कि भाई हो सकता है कि तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा तो तुमको पता है, हमको तो कम पता है, हम जितना जानते हैं भाई देखिए इतना ही कि 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो 5 होता है, जो कि हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ठीक है, आप भी जानते होंगे, और या नहीं तो आपको ज्यादा जानकारी होगा तो आप 6 7 जो भी जोड़ के कर दीजिएगा तो कर दीजिएगा, ये आपकी इच्छा। अब आप जान लीजिए कि 2 जोड़ 3 5 होता है, पहले तो आप देखिए 2 को डाटा आपके पास दिया गया, यही डाटा जो है निरीक्षण कहलाता है, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो 5 आ गया, तो यही हो गया परीक्षण, यानी निरीक्षण या परीक्षण कर दिया आप इसका, ठीक है, यानी कि इसकी सत्यता का जांच किए कि भाई 2 जोड़ कितना होता है, 3 कितना होता है, 5 होता है, तो इसका आप देखिए इसका निरीक्षण करके आपने इसकी सत्यता का जांच किया, और आपको पता चला कि 5 ही होता है रिजल्ट, और आपको पहले से भी पता था कि भाई हमने जो अंदाज लगाया था कि 2 जोड़ 3 5 होता है और वो सही आ गया, तो मतलब ये नियम बन गया कि भाई 2 में 3 को जोड़िएगा तो 5 बन जाएगा, किसी भी तरह से जोड़िएगा, ये नियम बन गया। तो इसी को बोलते हैं परिकल्पना का टेस्टिंग, या नहीं तो इसको बोलते हैं क्या, परिकल्पना का ये स्टेप, ठीक है, जो कि अभी हम बता दिए आपको। अब आ जाइए अगले टॉपिक को समझते हुए, इसमें बिंदु कुछ है जिसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु इसलिए भी याद रखना चाहिए ना, वहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो परिकल्पना कुछ समय के लिए किया गया एक अटकल, या नहीं तो यूं कहें तो ये एक तरह से चिंतन है, ठीक है। परिकल्पना क्या है, किसी कोई भी यानी कुछ समय के लिए यानी कम समय के लिए किया गया अंदाज या अटकल होता है, जो आप अंदाज लगाते हैं। मान लीजिए आपके घर के सामने बिजली एकदम कड़कड़ाया, बिजली का मतलब होता है कि आकाश एकदम कड़कड़ाया, ठीक है, तो आप अंदाज लगाते हैं कि हो सकता है कि बारिश होगा। अगर मान लीजिए बारिश हो गया तो क्या हुआ, आपका अंदाज सही हुआ, यानी आपकी हाइपोथेसिस सही हो गई। लेकिन मान लीजिए कि आपने अंदाज लगाया कि बारिश होगा और बारिश नहीं हुआ, तो क्या आपका अंदाज सही हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, वो परिकल्पना गलत हो गया, फिर से आपको अंदाज लगाना होगा, फिर से परिकल्पना शुरू करना होगा, यही होता है बेसिकली परिकल्पना, ठीक है। उसके बाद देखिए यह अंदाज वास्तविक निरीक्षण पर आधारित होता है, यानी कि ये अंदाज जो आप लगाते हैं ये जरूरी नहीं है कि आप जो बोल दिए वो सही होगा, ये वास्तविक निरीक्षण यानी कि इसके ऊपर जब प्रयोग होगा, एक्सपेरिमेंट होगा और तब ये प्रूव्ड होगा ना, तब इसको माना जाएगा कि हाँ भाई ये अंदाज सही है, ठीक है। उसकी सत्यता वास्तविक जांच या सत्यापन से सिद्ध होती है, यानी कि सत्यापन यहाँ लिखिएगा कि कोई भी अंदाज है तो उसकी सत्यता तब सही होगी ना जब वास्तविक जांच किया जाएगा और सत्यापन किया जाएगा तब, ठीक है। सत्य सिद्ध होने के बाद वह परिकल्पना नियम बन जाता है, यानी कोई भी चीज अगर आपने अंदाज लगाया और वो सही सिद्ध हो गया ना तो तब वह नियम बनेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको परिकल्पना से संबंधित एकदम बेसिक चीजें हैं याद रखनी है, ठीक है।
अब देखिए दूसरा टॉपिक इसमें शुरू होता है परिकल्पना के प्रमाण, प्रूफ्स ऑफ हाइपोथेसिस। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। प्रूफ्स ऑफ हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, प्रूफ्स ऑफ हाइपोथेसिस कैसे मतलब प्रूव कीजिएगा कि हाइपोथेसिस सही है, यही चीज इसमें पढ़ना है। जैसे कि मैथ में आप देखते थे ना कि जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कुछ भी आपको दे दिया जाता था और बोलता था कि प्रूफ करके बताइए कि ये सही है या गलत है, उसी तरह परिकल्पना में भी होता है कि कुछ चीजें आपको प्रूव करनी होती है, यानी कि उसको प्रूफ देना पड़ता है कि भाई ये ऐसे होगा या इसका ये मतलब क्रम है, ठीक है। तो इसी तरह अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। परिकल्पना एक अंदाज या अटकल होता है, या सत्य और असत्य दोनों हो सकता है, ठीक है। असत्य यहाँ लिखिएगा, सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। परिकल्पना को सत्य तब तक नहीं माना जाता जब तक वह सत्य सिद्ध ना हो जाए। यानी कि कोई भी मैथ में आप भी पढ़ते होंगे, कोई भी घटना तभी सही माना जाता था जब वो सिद्ध हो जाता था। अगर नहीं सिद्ध हुआ तो उसको सही माना जाता था क्या? कभी नहीं, वो रॉन्ग होता था, ठीक है। उसी तरह परिकल्पना में भी एक बात होता है कि वो सत्य तभी सिद्ध होगा ना जब वो एकदम सत्य सिद्ध हो जाएगा, तो परिकल्पना माना जाएगा कि वो सही है। अगर वो सिद्ध नहीं हुआ तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। परिकल्पना सिद्ध हो जाता है तो इसे नियम या सिद्धांत बना दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई परिकल्पना सही सिद्ध हो गया ना, तब वह नियम या सिद्धांत बन जाता है, ठीक है। इतनी बातें एकदम बेसिक है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी परिकल्पना की सत्यता या असत्यता को जांचने के लिए परिकल्पना को कैसे प्रमाणित किया जाता है ना, इसके निम्नलिखित तरीके होते हैं। यानी कि कोई भी परिकल्पना है ना, उसको प्रमाणित करने का बहुत तरीका होता है, जिसमें से एक एक करके आप तरीका को जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहला होता है कल्पना को प्रमाणित करने का पहला तरीका, ये है ना, उसका परीक्षण या निरीक्षण किया जाए। वही चीज जो पहले हम आपको बताए थे, अभी तुरंत परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में क्या होता है, जब हम किसी घटना के घटित होने के कारणों का को जानने तथा उस सबसे पहले उसका परीक्षण या जांच किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपको किसी भी घटना के पीछे के कारणों को जानना है, तो उसके बारे में आपको परीक्षण या निरीक्षण किया जाना होना चाहिए। यानी सबसे पहली बात तो उसका निरीक्षण करना होगा, ठीक है। किसी भी परिकल्पना का परीक्षण दो तरीके से किया जाता है। कैसे? एक होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड के द्वारा, यानी डायरेक्ट आप किसी भी चीज का परीक्षण कर सकते हैं। यानी कि वहां पे जाके आप, मान लीजिए आपके घर के सामने एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको जानना होगा पहले क्या उसके पीछे का कारण क्या है। तो उस कारण को जानने के लिए आप क्या कीजिएगा, उस कारण को जानने के लिए आपको उस घटना स्थल पर जाना होगा जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां जाइएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किसी भी घटना के बारे में हम जो परिकल्पना करते हैं ना, अगर वह प्रत्यक्ष रूप से भी देखने पर सही सिद्ध हो जाए, तब वह परिकल्पना सत्य मान लिया जाता है। अगर मान लीजिए आपको पता चला कि कहीं घटना कोई घटित हुआ है, यानी एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट के बारे में तब तक आप स्वीकार मत कीजिए ना जब तक आप खुद उसको नजर से आप ना देखें। तब आप क्या कीजिएगा, अपनी नजर से देखने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकल के आप जाइएगा उस घटना स्थल पर, और वहां पे जाके आप देखिएगा कि क्या इस घटना के घटित होने के पीछे जो कारण है वो सही है। अगर सही है तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट रूप से आप उसमें इन्वॉल्व हुए, उसके बारे में आपने जांच करा, उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिला वही हो गया परिकल्पना का, यानी कि वो अगर सही आपको लगा तो वो सत्य हो गया, ठीक है। दूसरा इसका मेथड जो होता है वो अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड ये होता है ना, जब हम किसी भी परिकल्पना कोई भी करते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी परिकल्पना का जांच प्रत्यक्ष रूप से किया जाए। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का जांच जो है ना एकदम डायरेक्ट मेथड से हो। मान लीजिए कि अभी कहीं पे कोई घटना घटित हो गया, मान लीजिए पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल में कोई घटित हो गया घटना, तो इसके बारे में ये जरूरी नहीं है कि आप वहां जाइएगा तभी आप उसके बारे में जानिएगा। हो सकता है आप नहीं भी गए, तो यहाँ से भी तो बैठ के आप उसके बारे में एक निरीक्षण कर सकते हैं। तो बल्कि कुछ कल्पना का जांच हमें अप्रत्यक्ष रूप से भी करना होता है। यह यदि सिद्ध हो गया, यानी यह भी अगर सही हो गया जांच लिए, अगर मान लीजिए आपने इनडायरेक्ट रूप से कोई भी परिकल्पना का जांच किया और वो सही हो गया, तो वह भी एक कारण यानी नियम बन जाएगा, यानी वो सिद्ध होकर एक नियम का रूप ले लेगा, ये थ्योरी का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा समझिए जो आपके सामने हुआ हो, जिसके बारे में आप जानने के लिए आप सामने से गए हो, और अप्रत्यक्ष मतलब जिसके बारे में आप जानने के लिए घरे में है और आपको पता चल जाए, वही अप्रत्यक्ष मेथड है, ठीक है। कल्पना को प्रमाणित करने का दूसरा तरीका क्या होता है उसको अब देखिए। पहला तरीका बता दिए जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों था, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरी बात यह आवश्यक होती है कि वह कल्पना जो है जिस विषय की व्याख्या के लिए बनाई गई है ना, उसके उपयुक्त यानी पूर्ण रूपेण व्याख्या कर दे, उसकी व्याख्या में कोई संदेह न रह जाए, किसी भी कल्पना या विकल्प की संभावना न रह जाए। यानी कि जब मान लीजिए कल्पना का दूसरा जो तरीका है इसको प्रमाणित करने का, वो ये है कि मान लीजिए आपने कोई परिकल्पना किया कि आपको जो एग्जाम है, आपके एग्जाम के बाद 80% आपको नंबर आएगा, तो इस 80% आने में आपको मेहनत भी करना होगा, मेहनत आपने किया, और आपका एग्जाम के बाद 80% ना आकर 90 मतलब माफ कीजिएगा 79% आ गया, 1% आपका कम आ गया, तो क्या होगा?
ये जो आपने परिकल्पना किया वो गलत सिद्ध हो गया ना। तो यही होता है कि अगर कोई परिकल्पना जो आपने किया है, यानी कि आपको 80% आना चाहिए और आपको 80% आ गया, तब वह नियम बन जाएगा कि आप इतना मेहनत कीजिए तो आपको 90% या 80% आ जाएगा, ये तो नियम बन गया। लेकिन अगर वो नहीं आया उतना मेहनत के बावजूद, तब वो क्या होगा, वो असत्य हो जाएगा, यानी कि आपने जो कल्पना किया है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही चीज ये दूसरा मेथड बोलता है। अब तीसरा मेथड देख लीजिए क्या है, परिकल्पना को प्रमाणित करने का तीसरा तरीका है, वो क्या है, जिस घटना की व्याख्या के लिए उसका निर्माण किया गया हो ना, उसकी व्याख्या के लिए वह एकमात्र कल्पना है तथा किसी दूसरे कल्पना से उसे उस घटना की व्याख्या न हो सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई भी घटना घटित हुआ, उसके बारे में आपने कोई परिकल्पना का निर्माण किया, यानी कि चिंतन, यानी कि परिकल्पना का मतलब ही है चिंतन या अटकल लगाना या अंदाज लगाना। आपने अंदाज लगाया किसी भी घटना के बारे में, अगर उस घटना से संबंधित कोई और भी कल्पना नहीं हो सकता है ना, तब वो तीसरा मतलब नियम इसका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दो या उससे अधिक घटनाएं, अधिक भी कल्पनाएं किसी भी घटना की व्याख्या करने के लिए उपस्थित होती है, ठीक है, या मालूम पड़ती है। ऐसी हालत में घटना से संबंधित कोई एक ऐसा उदाहरण ढूंढना पड़ता है जिसकी व्याख्या उन अनेक कल्पनाओं में से किसी एक से हो रही होती है, ठीक है, ताकि वह निश्चित हो जाए कि उन कल्पनाओं में से कौन सी कल्पना घटना के पूर्ण रूपेण और संगत व्याख्या करने के लिए समर्थ हो गई है या हो सकती है। ठीक है, इसको और थोड़ा देख लीजिए तब हम बता देंगे। इस तरह निर्णायक उदाहरण ऐसा उदाहरण है जो निश्चित रूप से यह निर्णय कर देता है कि किसी घटना की व्याख्या के लिए उपस्थित अनेक कल्पनाओं में से कौन सी कल्पना वास्तविक रूप से समर्थित है या समर्थक है इसका। अब देखिए समझाते हैं। मान लीजिए कोई घटना घटित हुआ, आपने सोचा, मान लीजिए कि आपको लगा होगा कि बारिश होगी आज, और बारिश होने के पीछे आपने सोचा कि भाई देखिए आकाश में जो गर्जन है, यानी कि गरज रहा है आकाश, इसलिए बारिश होगा। दूसरा इसकी कल्पना कोई व्यक्ति कर रहा होगा और दूसरा कल्पना वो करता ये होगा कि देखिए बारिश इसलिए होगा ना क्योंकि बरसात का मौसम है। तीसरा कोई व्यक्ति होगा उसी बारिश को लेकर ये कल्पना करता होगा कि देखिए बारिश इसलिए होगा ना क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, उमस ज्यादा था, यानी कि एक तरह से कहीं ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई थी, यानी आर्द्रता ज्यादा बढ़ गया था, इस वजह से ये बारिश होना ही था और होगा। ये तीनों कल्पना हुआ आपके सामने। अब देखिए इसमें जो सही होगा ना, जो रेलिवेंट होगा कल्पना, यानी कि जिसके वजह से बारिश हुआ होगा, इसमें तीनों कल्पनाओं में से जो सही होगा ना उसी को इसमें स्वीकार किया जाता है और वही नियम बन जाता है। यही तीसरा नियम कहता है कि कोई भी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए ना ये जरूरी है कि आप जितना भी कल्पना करना है कर लीजिए, जितना भी एंगल से करना कर लीजिए, लेकिन उस कल्पना में से एक ही को कोई होगा जो सही होगा और उसी को नियम या सिद्ध, यानी कि तभी वो परिकल्पना सिद्ध माना जाएगा। ठीक है, ये तीसरा नियम कहता है। अब देखिए परिकल्पना को प्रमाणित करने का चौथा नियम क्या है, यानी फोर्थ जो इसके तरीके हैं उसको देखिए। किसी भी कल्पना को और अच्छी तरह से प्रमाणित करने का एक तरीका यह दिखलाना होता है ना कि उक्त कल्पना के अंदर ऐसा गुण है जिस घटना की व्याख्या के लिए उसका निर्माण हुआ है उसकी व्याख्या के अलावा और दूसरी घटनाओं की व्याख्या करने में भी वह समर्थ है। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी मतलब आपने कल्पना करा और कल्पना करने के पीछे आपने जो भी उसके बारे में सोचा, जब आप सोचे तो इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि मान लीजिए कोई एक घटना घटित हुआ उसके बारे में, या उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए ये अच्छा तरीका ये है ना कि जो भी कल्पना है जो आपने किया है उसके गुण जो है ना वो अन्य घटनाओं से मिलते जुलते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी घटनाओं की व्याख्या करने में भी अगर वो समर्थ है उसका गुण तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो परिकल्पना को सिद्ध कर सकता है। यानी कि देखिए आप नहीं समझोगे, हम सीधा बताते हैं कि दो घटनाएं घटित हुई, उसमें से एक घटना का आपने कल्पना किया और वही कारण हो सकता है दूसरी घटना का भी घटित होने का होगा, तो ये दोनों जो घटनाओं के घटित होने का कारण है ना ये गलत नहीं होगा, ये सही भी हो सकता है, यही बात वो कहता है। ठीक है, कल्पना का प्रमाणित करने का ये पांचवा तरीका क्या है उसको देखिए। कल्पना के इन सभी प्रमाणों के अलावे हवेल एक जो है मनोविज्ञान, माफ कीजिएगा दार्शनिक है, ने एक और प्रमाण का जिक्र किया है और वह है कल्पना के अंदर भविष्यवाणी की क्षमता। यानी हवेल कहते हैं ना कि कल्पना जब हम लोग करते हैं तो उसमें भविष्यवाणी करने की भी क्षमता होती है। भविष्यवाणी का मतलब होता है ना कि भविष्य में क्या होगा नहीं होगा इसकी भी कल्पना हम लोग कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो यही था मुख्यतः परिकल्पना को प्रमाणित करने के पांच तरीके जिसको हमने बताया।
और पांचवा तरीका उसका जो था ना, व्हेल के द्वारा दिया गया था, जिसने बोला था क्या कि परिकल्पना को प्रमाणित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके बारे में आप भविष्यवाणी करिए। तब आप किसी भी चीज के बारे में जब भविष्यवाणी करते हैं तो वह भी एक तरह से कल्पना को, यानी परिकल्पना को सिद्ध करने का तरीका है। देखिए, परिकल्पना हो या कल्पना हो, दोनों बात एक ही है, सीधा यही समझिएगा। कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, पकड़ना कान ही है। इसी तरह आपको परिकल्पना बोले, हाइपोथेसिस बोले, कल्पना बोले, तीनों बात एक ही होता है, बस मतलब आपको खाली लैंग्वेज या शब्द में अंतर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए, परिकल्पना का वर्गीकरण कई एक तरह से इसको बांटा गया है, यानी परिकल्पना कई एक तरह के होते हैं, उसको अब देखिए। एक होता है सिंपल परिकल्पना, सरल वर्गीकरण इसका जो किया गया है वो क्या है, तो देखिए सरल परिकल्पना वो है ना, जो सरल परिकल्पना है वो एकदम सामान्य होता है, जैसे जिसमें दो या दो से अधिक चरों के सरल संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, आपको लगेगा चर क्या होता है, तो चर का मतलब था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब था ना दो तरह के, एक तरह से बोलिए बोलिए आपको बताते हैं, मान लीजिए कोई घटना घटित हुआ ना, उसमें दो तीन तरह के कारण है ना, तो वही एक दो तीन चर हो गए, यानी कि कारण जैव होगा उसको चर बोल देते हैं। ठीक है, या जैव पक्ष होगा ना उसी को चर बोलते हैं, सीधा यही आपको समझना है। ठीक है, जैसे किसी की मदद करने से वह आगे बढ़ता है, तो यह भी एक तरह से कोई भी घटना का एक तरह से चर है। जैसे कि आपको सीधा समझना है कि जो भी कोई भी अगर मान लीजिए परिकल्पना है, इसमें यह जरूरत नहीं है कि उसमें दो चर ना हो, उसमें दो चर भी हो सकता है, अलग भी चर हो सकता है, यानी तीन चार पांच पक्ष हो सकते हैं। और एक बात ये ध्यान रखना है कि दो चर के बीच आपसी संबंध भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सरल वर्गीकरण। ठीक है, परिकल्पना का सरल वर्गीकरण का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक चर एक दूसरे से संबंधित हो। ठीक है, सीधा मतलब जिसमें संबंध हो वो सरल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये देखिए शून्य परिकल्पना यानी जीरो हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत आगे भी काम देगा। तो जीरो हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको H0 से डिकेट यानी डिनोट किया जाता है, समझे, सरल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है जीरो हाइपोथेसिस, तो यानी जीरो परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, तो इसको H0 से, यानी H मतलब हो गया हाइपोथेसिस और जीरो का मतलब गया जीरो, शून्य। ठीक है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। ऐसी परिकल्पना जो दो चरों के बीच शून्य संबंध को स्थापित करता है या बतलाता है, उसी को बोलते हैं जीरो हाइपोथेसिस। देखिए, सरल हाइपोथेसिस क्या था, दो या दो से चरों के बीच, दो चरों के बीच जो संबंध को बताता था, यानी कि मान लीजिए एक घटना के पीछे कोई और भी कारण होगा जिससे वो घटना घटित हुआ। मान लीजिए कि आप टॉप कर गए, आप अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप कीजिएगा तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको बताते हैं, यूनिवर्सिटी जब आप टॉप कीजिएगा ना तो आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है, समझे, और उसमें जो होता है ना राज्य के राज्यपाल जाते हैं आपको सम्मानित करने के लिए, और ये सौभाग्य हमको मिला है, ये बात हम बता रहे हैं, चूंकि हम पटना यूनिवर्सिटी से जब MA किए थे ना तो वहां पे हम भी गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे, तो हमको भी ये सौभाग्य मतलब भगवान की कृपा से मिली थी और हमको भी राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया था, और हम भी चाहते हैं कि आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हो अपनी यूनिवर्सिटी में, ये आप भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए आप जब गोल्ड मेडलिस्ट होइएगा तो इससे आप ही को खुशी नहीं होगा, आपके परिवार वाले को खुशी होगा और आपसे कहीं ज्यादा हम भी खुश होंगे ना, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति आपको अगर पढ़ा दिया कोई और आप गोल्ड मेडलिस्ट हो गए तो मतलब वो टीचर के लिए भी तो बहुत सम्मान की बात है ना, तो ये चीज होता है। ठीक है, तो यानी आपकी सफलता में बहुत लोगों की खुशी है, तो इस बात को भी ध्यान में रखकर थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, तो यही होता है सरल ये परिकल्पना। सरल परिकल्पना ये होता है ना कि आप मतलब एक चीज का, यानी दो अगर पक्ष है तो दोनों का एक दूसरे से संबंध है, और शून्य परिकल्पना का अर्थ होता है जिसमें कोई संबंध ही नहीं हो, यानी जीरो संबंध हो, उसी को बोलते हैं शून्य परिकल्पना, यानी कि दो घटनाओं के बीच में कोई संबंध नहीं। ठीक है, इसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करना संभव है। विकल्प परिकल्पना क्या है, अब उसको लिखिए, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, ठीक है, अब देखिए विकल्प परिकल्पना क्या है उसको भी देखिए। तो विकल्प परिकल्पना की सार्थकता के लिए शून्य परिकल्पना की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो विकल्प परिकल्पना अभी आगे आएगा, आपको वह भी समझा देंगे, यानी शून्य परिकल्पना आप समझ गए, यानी कि जिसमें कोई संबंध नहीं हो, शून्य परिकल्पना। अब देखिए जटिल परिकल्पना जिसको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, अब उसको देखिए। इस प्रकार की परिकल्पना का उपयोग जो है ना गहन और विस्तृत अध्ययन करने के लिए किया जाता है, यानी जब भी आपको डेप्थ में नॉलेज लेना है ना तब उसी का, किसका जो है, कॉम्प्लेक्स जो है हाइपोथेसिस का यूज करना होगा। ठीक है, जटिल परिकल्पना का। अब देखिए विकल्पी परिकल्पना क्या है उसको देखिए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इस परिकल्पना की शुरुआत शून्य परिकल्पना के बाद होता है, यानी कि जब शून्य परिकल्पना खत्म होता है तब विकल्प परिकल्पना शुरू होता है। ठीक है, इसको H1 से डिनोट किया जाता है, यानी कि देखिए शून्य परिकल्पना ये बताता है दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, और विकल्पी परिकल्पना क्या बताएगा उसको देखिए, दो चरों के बीच कोई अंतर या संबंध का अनुमान लगाना
होता है तब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यूज किया जाता है। यानी ये बोलता है ना कि अगर मान लीजिए दो चरों के बीच, यानी दो को वेरिएबल्स है उसके बीच कोई संबंध है तो उसको जानना है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यूज करना होगा, जिसको बोलते हैं विकल्पी परिकल्पना, ठीक है। और शून्य परिकल्पना में कोई संबंध नहीं, ठीक। अब देखिए दिशात्मक परिकल्पना क्या है, वैसी परिकल्पना जिसमें परिकल्पना की दिशा निर्धारित हो, यानी कि उसमें एक दिशा का आपको ज्ञान हो कि मान लीजिए लड़का लड़की के बारे में बोला जाएगा तो आप समझ पाइएगा ना कि लड़का के बारे में बोल रहा है लड़की के बारे में बोल रहा है, तो यानी इससे एक वो दिशा आपको मिलेगा कि कौन लिंग के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में लड़के की तुलना में लड़कियां बहुत तेज होती है, इसमें क्या पता चला आपको? मतलब देखिए ऐसे मान लीजिए कि लड़के की तुलना में लड़की बहुत तेज नहीं होती है, कम तेज होती है, तो इससे क्या पता चला कि लड़की कमजोर होती है लड़के की तुलना में, ये आपको पता चला। यानी इससे ये दिशा मिला ना आपको कि लड़की की कमजोरी के बारे में इससे पता चलता है हमको, ठीक है। तो इस उदाहरण से लड़की के संबंध में यह निर्देश मिलता है कि इसीलिए इसको दिशात्मक परिकल्पना कहा जाता है। यानी कि इसमें अगर मान लीजिए आपको कह देता लड़के और लड़कियां जो है कोई तेज नहीं होता है, तो इससे ये पता चलता है लड़का भी तेज नहीं लड़की भी तेज नहीं, तो ये भी हो गया एक दिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण। मतलब जिससे दिशा मिले, जिसके बारे में आपको संकेत मिले, कोई भी घटना के बारे में या कोई भी चीज के बारे में संकेत मिलता है ना, उसी को बोलते हैं दिशात्मक परिकल्पना। और दिशात्मक परिकल्पना वो होता है ना जिसमें कोई भी संकेत आपको नहीं मिले, उसमें कोई भी दिशा के बारे में ज्ञात नहीं हो। जैसे मान लीजिए पानी मीठा है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सब पानी मीठे होगा, कहीं कहीं का पानी मीठा होगा कहीं का खारा भी होता है। जैसे कि समुद्र का पानी खारा होता है, वहीं आप देखिए नल का पानी पीजिएगा तो उसका स्वाद थोड़ा ठीक ठाक होता है, कहीं और का पानी पीजिए तो हो सकता है वहां मीठा होता होगा। तो ये नहीं कि देखिए इसमें आपको दिशा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक होता है दिशा और एक अदिशा, अदिशा में उसमें आपको कोई अदिशा मतलब हो गया कि उसमें कोई दिशा नहीं मिलेगा, और दिशा में आपको ये निर्देश मिल जाएगा कि कौन तेज है कौन कम तेज है ये सब, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, आपसे पूछ देगा कौन हाइपोथेसिस जो है जीरो परिकल्पना का उदाहरण है, तो जीरो परिकल्पना की याद रखिएगा, जब दो चरों के बीच कोई संबंध ना हो तो उसको जीरो परिकल्पना कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस टू इजक्वल टू जीरो और यहाँ हम लिख दें ए प्लस बी इजक्वल टू सी, तो इन दोनों के बीच में एक ये समीकरण है दूसरा ये समीकरण है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध आपको दिख रहा है? कोई संबंध नहीं है, तो इसको बोलेंगे जीरो परिकल्पना, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और दूसरा लिख दें एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन, तो ये दोनों समीकरण के बीच में आप देखिए संबंध है कि नहीं, दोनों में देखिए आप x आ रहा है, x आ रहा है कि नहीं, दोनों को कॉमन कर दीजिए x को, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। यानी इसमें क्या है संबंध आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं संबंध वाले को, अभी तुरंत आपको बताया है, बताइए तुरंत आप कमेंट कीजिए, तो कमेंट कीजिए। एक होता है शून्य परिकल्पना, दूसरा सरल परिकल्पना जिसमें संबंध होता है, ठीक है। और विकल्पी परिकल्पना वो होता है ना जिसमें कि किसी भी दो चर के बीच संबंध निकालने का प्रयास किया जाता है। इतना चीज आप समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव इस तरह से बन सकता है आपसे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आपको हमने जो फिलोसफी का यूनिट थर्ड कराना था वो करा दिया है, इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उसको करके आइएगा, छोड़िएगा मत। ऑब्जेक्टिव जो होगा इसको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, यूनिट वन यूनिट टू दोनों करा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कराए हैं, छोड़े नहीं है, यूनिट वन टू खत्म है, यूनिट थर्ड भी खत्म हो गया, यूनिट फोर अब जल्द आ जाएगा। क्योंकि यूनिट फोर आपको इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि हमको लग रहा था पहले कि एमडीसी वाले को यूनिट थर्ड ही पढ़ना है, लेकिन यूनिट फोर भी पढ़ना होगा, उसमें दो तीन टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक वीडियो के माध्यम से हम खत्म कर देंगे जल्दी। चलिए अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो चलिए धन्यवाद।